सो गाइस कैसे हो सभी लोग, स्वागत है और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कार फोर्स एल मोबाइल वर्जन। भाई ये गेम मोबाइल के लिए रिलीज हो चुका है, बस आज के इस वीडियो में हम इस गेम को चेक करने वाले हैं कि ये गेम कैसा है। वैसे आपको इस गेम का कोई मिथ वगैरह पता है तो कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ट्राई करेंगे। और हाँ गाइस, मैंने देखा काफी लोग के फोन में ये गेम नहीं चल रहा है। अगर आपके फोन में नहीं चल रहा है, मैं आपको इस वीडियो में आपको इसका सलूशन बता दूंगा, जिससे आपके फोन में ये गेम 100% चल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस देखो, अभी हमें क्या करना है भाई, इस ऑफिस को क्लीन करना है भाई। यहाँ पर काफी सारे ट्रैश वगैरह हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑफिस को क्लीन कर दिया। और ये एक सेकंड, ये अरे भाई यहाँ पर ये बेघर भी बैठा हुआ है भाई, तो इसको भी हम हायर कर सकते हैं। सबसे पहले भाई इसको ओपन करते हैं और अपने ऑफिस का नामकरण करते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम इस ऑफिस से बाहर जा ही नहीं पाएंगे। आना हमें यहाँ पे, एंड एक सेकेंड कहाँ आ गया मैं भाई, यही पे तो होता है। एक सेकेंड, दोबारा से करते हैं भाई। यहाँ पर हमें आना है डेकोरेशन पे, आना है लेट्स गो। और हाँ, यहाँ पे हमें ऑफिस पे, और भाई यहाँ से क्या करना है, ठीक है इसका नाम वगैरह चेंज करनी है। तो चलो गाइस, इसका नाम हम रख देते हैं राज मोटर्स। ठीक है, ठीक है, इसका साइज़ यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और ये ऐसा फुल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से फुल, राइट, यहाँ से कर देते हैं अपडेट। ओके, तो हमने अपने ऑफिस का नाम चेंज कर दिया भाई, मस्त एकदम। ठीक है, तो गाइस हमने ऑफिस का काम कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमें जाना है नेवरहुड, बट उससे पहले भाई हम बेघर भाई साहब से मिल लेते हैं। यार ये हमारा एम्प्लॉय बनने वाला है, तो ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो भाई कि ये बंदा यहाँ, अरे इसको पैसे भी मिले यार। यहाँ पर एक चिल्लर है और नोट है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हायर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको हायर नहीं करेंगे भाई। चलते हम सीधा नेवरहुड और वहाँ पर कोई कार वगैरह परचेस करते हैं। तो आ जाओ गाइस, ये रहा बस स्टॉप। बस स्टॉप का भाई लोकेशन कहीं और बता रहा है, बट ये सब फिक्स हो जाएगा जल्दी। यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ें भाई, ऑफिस, नेवरहुड, कार मार्केट, गैस स्टेशन, रेड कैफ़े एंड कैरावेन। ठीक है, तो हम चलते हैं कैरावेन पे, ठीक है। ओके, तो मैं कैरावेन पे आ गया हूँ गाइस। यहाँ पर भाई काफ़ी मस्त लग रहा है। और ये देखो गाइस, ये रहा हमारा कैरावेन। इसके अंदर चले देखते हैं भाई कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और हाँ, इसके अंदर ओ भाई, यहाँ पर ये देखो भाई, किचन वगैरह भी है खाना वगैरह पकाने के लिए। और यहाँ पर ये रहा हमारा बेड जो नीचे पड़ा हुआ है। वैसे तो गाइस यहाँ पर आसपास ना घर वगैरह बहुत ही मस्त दिखाई दे रहा है। और ये देखो भाई, सामने भी कुछ कार सेल हो रही हैं, वो देखो वहाँ पर। तो ठीक है यार, हम ये कार परचेस नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं भाई नेवरहुड और वहाँ पर चल के कोई कार परचेस करते हैं, देखते हैं भाई कि नेवरहुड कैसा है। लेट्स गो, यहाँ पर भाई हम आ गए नेवरहुड। और हाँ, नेवरहुड वैसे मैंने इमेज में देखा था भाई कि नेवरहुड बस ऐसे रोड पे ही होने वाला है। तो ये देखो भाई, ये रहा नेवरहुड और यहाँ पर भाई ये रही कार। कितने में दे रहा होगा वैसे ये कार, आ जाओ देखते हैं भाई कि ये कार बंदा कितने में सेल कर रहा है। लेट्स गो, यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। ओ भाई, यहाँ पर 38,000 में दे रहा है भाई ये, इतना महंगा। अबे यार भाई, नहीं परचेस करना, अबे पैसे ही नहीं है यार इतना, तो हम कैसे परचेस करेंगे। तो मुझे कोई सस्ती सी कार परचेस करना होगा गाइस, तो देखते हैं यार। वैसे नेवरहुड थोड़ी सी बड़ी है, तो देखते हैं आस पड़ोस में कोई कार मिल जाए जो थोड़ी सस्ती हो। वैसे आ जाओ गाइस इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर एक कार है जो मुझे लग रहा है भाई कि ये कैसा है भाई। अरे ये तो काफी ओल्ड मॉडल कार है भाई, और यहाँ पर ये जो बंदा सेल कर रहा है मुझे लगता है भाई कि किसी आर्मी उर्मी में था। तो चलो आ जाओ भाई, इससे बातें करते हैं और देखते हैं कि ये कार कितने में सेल कर रहा है। वैसे मुझे लगता है ये थोड़ी सस्ती होगी, बट पता नहीं भाई, देखते हैं। आ जाओ, इस बंदे से बात करते हैं। यहाँ पर भाई ये कितने में दे रहा है, हाँ 4,730 रुपये में दे रहा है। तो अभी हम इस बंदे से बार्गेन वगैरह तो कर नहीं सकते, तो सीधा भाई यहाँ से करते हैं बाय। लेट्स गो, इस वाले कार को हमने परचेस कर लिया भाई। ये देखो, ओल्ड मॉडल कार है, लेकिन हाँ काफ़ी मस्त दिखाई दे रही है। बस हमें चेक करना है कि ये चलती कैसे है, मतलब चलने में कैसा लगता है। लेट्स गो भाई, हमने इसको ऑन तो कर दिया। और अबे ये तो ट्रैक्टर लग रही है भाई, एकदम से ट्रैक्टर जैसे साउंड आ रहा है भाई, ये देखो। और एक सेकेंड, यहाँ पर इसका अगर इंडिकेटर वगैरह चलाएं तो, ओ भाई इंडिकेटर भी चल रही है गाइस, एंड टुक टुक की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर गाइस एक और सेम कार है, तो इसको भी परचेस कर लेते हैं। वैसे भी ये भी सस्ते में दे रहा होगा। जो भाई देखते हैं कि ये कितने, अरे भाई ये तो भाई 3,000 में दे रहा है भाई, सस्ते में भाई, वो उस बंदे ने हमें लूट लिया गाइस। तो चलो कोई ना गाइस, इसको हम यहाँ से करवा देते हैं टो। वैसे कहाँ पर टो होगा, फिलहाल टो का भी हमारा अनलॉक नहीं हुआ, ठीक है, टो ट्रक। तो हम इसको यहाँ पर करवा दिए हैं, वहाँ से जाके हम ले लेंगे। तो चलो गाइस, इस वाले कार को लेके चलते हैं अपने ऑफिस और वहाँ पर इसको सेल करते हैं को। भाई साहब, इसका साउंड गाइस काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है, ये देखो। तो चलो गाइस, इस वाले कार को लेके आ गया हूं मैं अपने ऑफिस पे, एंड करते हैं भाई इस कार को सेल, देखते हैं कि हमें कितना पैसे मिलता है। वैसे देखो, जब हम फर्स्ट कार को लेके आते हैं सेल करते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम जब हम पीसी वाला गेम खेल लेते हैं ना, तो वहां पर हम अनलिमिटेड प्राइस में हम उसको
सेल कर सकते थे। आज वो देखते हैं कि क्या हम इसको भी अनलिमिटेड प्राइस में सेल कर सकते हैं, क्योंकि यार फर्स्ट कार है तो हो सकता है कि हम इसको भी अनलिमिटेड प्राइस में सेल कर पाए। यहाँ से आ जाते हैं कार फॉर सेल एंड लेट्स गो, कौन सी ये वाली कार है। ठीक है चलो भाई, यहाँ पर मैंने इसका प्राइस, ओ नहीं भाई यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ना पुट ऑन सेल का, वो गायब हो चुका है, तो मुझे कम प्राइस में इसको सेल करना पड़ेगा। तो चलो गाइस, मैंने इसका प्राइस $10,000 रख दिया है एंड यहाँ से करते हैं पुट ऑन सेल। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो भाई कस्टमर भी आ गए हैं, कितने 3 कस्टमर आए गाइस, लेकिन यहाँ पर 2 कस्टमर कार के अंदर घुसे पड़े हैं। तो आ जाओ भाई बातें करते हैं इस वाले कस्टमर से और देखते हैं भाई कि ये बंदा हमें कितना प्राइस देता है इस कार का। तो यहाँ पर आ जाते हैं टॉल का ऑप्शन, ठीक है टॉल का लेट्स गो। यहाँ पर कितना पैसे दे रहा है ये, $10,000 देने के लिए रेडी हो चुका है, तो करते हैं यहाँ पर सेल। ठीक है, ये दोनों बेचारे भाई भाग गए। और यहाँ पर देखो भाई रात भी हो गई है और रात का सीन भाई कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और वेट, एक सेकंड, ये क्या चल रहा था भाई, इस गेम में रात में भी कार चल रही है भाई, ये देखो। और इनका जो हेडलाइट है वो ऑन है रात के टाइम पे, तो मस्त लग रहा है भाई, ये देखो। और यहाँ पर है गाइस बेगर एंड होमलेस, तो आ जाओ इसको भी हायर कर लेते हैं। यहाँ पर इसको वीकली मुझे $500 देना पड़ेगा, तो चलो इसको यहाँ से हम हायर कर लेते हैं। और यहाँ पर ये तो सूट बूट पहन के रेडी हो गया है, वाओ। तो चलो ठीक है यार, अभी हम यहाँ से चलते हैं अपने कैरावैन पे और वहाँ पर सो जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डे कैसा होता है भाई। लेट्स गो, हमें यहाँ से आना भाई अपनी कैरावैन पे। तो ये है भाई नेक्स्ट डे एंड इसका कुछ ऐसा सीन है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जिसपे हम क्लिक नहीं कर पा रहे। और एक सेकेंड, सामने भाई स्पोन हो रहे हैं बाद में बंदे, भाई ये देखो कार लेकिन आप बाद में स्पोन हो रहे हैं। एंड यहाँ पर एक कार सेल कर रहा है, आ जाओ देखते हैं भाई कि ये कितने में सेल कर रहा है। भाई ये $34,000 में सेल कर रहा है, तो इसको हम नहीं लेते हैं भाई, क्या ही करेंगे। टैबलेट हैमर वगैरह यहाँ से हम ले सकते हैं, ये इन्वेंट्री है भाई हमारी। तो चलो गाइस आ जाओ यहाँ से हम चलते हैं रेड कैफे एंड यहाँ से मुझे हैमर और टैबलेट लेना है। ये रहा गाइस रेड कैफे, भाई मस्त लग रहा है यार ये भी, ये देखो रेड कैफे। एंड ये रहा भाई ब्लैक मार्केट वाला बंदा, तो यहाँ पर रेड कैफे ठीक ठाक दिख रहा है मेरे को, बाद में हम इसमें चलेंगे। सबसे पहले भाई यहाँ से हम लेते हैं ये टैबलेट और यहाँ से ये हैमर, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें कमिंग सून है, तो देखेंगे भाई जब भी आएगा हम इसको देख लेंगे। बाकी तो भाई चलते हैं रेड कैफे की तरफ एंड ओ यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है। ओ भाई इसका शक्ल कैसा है यार, ये देखो भाई पूरे शक्ल में से बाल जमा हुआ है। एंड यहाँ पर ये भी बंदे हैं, चलो ठीक है यार ये सब तो ठीक है भाई, इनका फेस वगैरह सब ठीक है, बाकी तो जैसे अपने। और यहाँ पर ये कुछ बंदे बैठ के भाई चाय पानी पी रहे हैं रेड कैफे में, यहाँ से हम इसको कॉफ़ी खरीद सकते हैं। बाकी अंदर आते हैं तो ओ भाई मुझे लगा भाई यहाँ पर कोई सीक्रेट रूम होगा, लेकिन नहीं यार यहाँ पर कोई भी सीक्रेट रूम नहीं है। और इस रेड कैफे के बगल में ही है ये अपना कार मार्केट, और भाई इसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग कार आई हुई हैं। अभी हमारे पास पैसे तो उतना है नहीं, तो देखते हैं भाई कि अपने बजट के हिसाब से कौन सा कार ठीक है। ये वाली कार कितने में होगी, ऑडी TS6 है भाई, और इसकी प्राइस भाई $99,000 है। यार इसको हम परचेस नहीं कर सकते हैं, आ जाओ भाई यहाँ से हम ना कोई दूसरी कार परचेस कर सकते हैं। एक सेकंड, ये कौन सी कार है भाई, ये हैरियर के टाइप लग रही है, देख रहे हो भाई एकदम सेम टू सेम हैरियर के टाइप लग रही है। देखते हैं भाई ये बंदा कितने में ये सेल करता है, किया स्पोर्ट है, अरे हाँ किया स्पोर्ट ठीक है। ये भाई $7,800 में सेल कर रहा है, तो इसको हमने परचेस कर लिया है। इस कार को लेकर चलते हैं और इसको साफ सुथरा करवाते हैं, मतलब इसको धुलवाते हैं। तो यहाँ पर हम इसका इंडिकेटर वगैरह चला सकते हैं। और गाइस यहाँ पर इस कार के साउंड ना थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, पहले वाली जो कार थी ना उसका साउंड एकदम ट्रैक्टर जैसा था, लेकिन इस वाले कार की साउंड मस्त लग रहा है। मुझे लगता है हर कार के साउंड अलग अलग है इस गेम में, तो ठीक रहेगा यार मज़ा आएगा इसको और भी खेलने में। तो चलो गाइस मैं आ गया हूँ भाई ऑफिस पे एंड यहाँ पर हम ना इस कार को भाई लेके आ जाते हैं जंकी यार्ड में। ये रहा इसका जैक जंकी यार्ड, ठीक है। तो देखते हैं भाई जैक जंकी यार्ड में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर भाई नंबर प्लेट लगा रखा है भाई इस बंदे ने, और यहाँ पर ये रहा वो जैक, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यू हैव मेटल, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर भाई मेटल कहाँ पर है, ये है क्या, अबे यार मुझे लगा ये पत्थर है भाई, तो मैं इस वाले मेटल को भाई उठाना है कुछ इस तरह से, और इस बंदे को करना है सेल। लेट्स गो, यहाँ पर ये भी है वायर, तो इसको भी उठा लेते हैं। और हाँ यहाँ पर एक कार है भाई, तो इसको हमारे पास तो भाई यहाँ पर हैमर है, तो तोड़ते हैं इसको, लेट्स गो फटाफट यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ से हम कर सकते हैं यूज, ओ अबे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें निकल रही है भाई, ये कहाँ लगी थी।
ओके, तो इस कार को हमने तोड़ दिया है और इसके अंदर से देखो कितने सारे स्टेयरिंग निकले हुए हैं भाई। ये देखो स्टेयरिंग व्हील भाई, बहुत सारे निकले हुए, 1 2 3 4 स्टेयरिंग व्हील निकले हैं भाई इस एक कार से। भाई इसके अंदर इतने सारे स्टेयरिंग थोड़ी ना होते हैं भाई। तो चलो कोई ना गाइस, इसको ना हम कलेक्ट करते हैं और भाई उस बंदे को करते हैं सेल, देखते हैं कि हमें वो कितना पैसे देता है। इसको भी कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर मैंने जितने भी मेटल थे सबको मैंने कलेक्ट कर लिया है और अब आ जाओ भाई, इसको करते हैं सेल, लेट्स गो भाई। इसने हमें दिया है $480। चलो कोई ना यार, मजा आया भाई, इतने पैसे हमें मिल गए हैं। चलो गाइस, इस वाले कार को लेके चलते हैं वॉश करवाने, देखते हैं कि वो वॉश वाला बंदा कहाँ पर है और वो कितने पैसे लेता है। चलो गाइस, इस वाले कार को हम लेके आ गए भाई यहाँ पे, ऑटो रिपेयर, ऑटो ट्यूनिंग और यहाँ पर ऑटो पेंटिंग, ठीक है। तो ऑटो पेंटिंग पे यहाँ पर हमें क्या करना भाई, ऑटो पेंटिंग तो करवानी है नहीं, हम इसको धुलवाते हैं। ओके, तो ये रहा गैस स्टेशन के पास कार वॉश वाला बंदा, तो इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं और इसको यहाँ पर ऐसे खड़े कर देते हैं। लेट्स गो भाई, यहाँ पर ये भी भाई बंदा गंदा हो रखा है, तो चलो ठीक है यार, भाई खुद तो नहा लिया कर, ठीक है यार, $100 ले रहा है भाई। चलो कोई ना भाई, करवाते हैं साफ और काफ़ी फास्ट कर रहा है ना ये। एंड ओके, तो इस बंदे ने भाई हमारी कार को साफ कर दिया है। एंड आ जाओ भाई, इस कार में बैठते हैं, अभी कहाँ से इंटर, ठीक है चलो इसको लेके चलते हैं। और भाई कार तो काफ़ी मस्त कर दिया भाई इसने, एकदम साफ सुथरा कर दिया है। और ये देखो गाइस, इस बंदे ने हमारी कार को एकदम मस्त भाई साफ कर दिया है। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ भाई, अगर आपके फ़ोन में ये गेम नहीं चल रहा है तो आपको अपने फेसबुक से लॉगिन करना है। अगर आप अपने फेसबुक से लॉगिन करते हो ना तो आपका गेम चल जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने गेम की, जब गेम नहीं चल रहा है ना तो अपने गेम की क्लियर कैच करो, क्लियर डाटा कर दो, उसके बाद अपनी गेम को फेसबुक से लॉगिन कर दो, उसके बाद आपका गेम चल जाएगा, ठीक है। मैंने भी ऐसे करा भाई, मेरे फोन में नहीं चल रहा था, पीसी में भी नहीं चल रहा था, तो अभी देखो पीसी में भी चल रहा है और फोन में भी चल रहा है। तो आपको अपने गेम को फेसबुक से लॉगिन करना है, उसके बाद आपका गेम चल जाएगा। और हाँ, इस गेम का मिथ कमेंट करना मत भूलना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे ट्राई करेंगे। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। वैसे भाई इसमें मैंने ज्यादा कुछ ट्राई नहीं करा, बस यही मैं देख रहा था कि ये गेम कैसा दिखाई दे रहा है और काफी मस्त लगा मेरे को ये गेम। इसका मिथ वगैरह आप लोग कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।